ये रंग है मिट्टी का, यानी खाक का, और यही खाक जब कस्मों वादों के साथ तन पर चढ़ जाती है तो खाकी कहलाती है। कहने को तो बस ये एक रंग है, पर असल में ये रंग पहचान है एक ऐसे महकमे की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा की, हर प्रदेश में कानून की रक्षा की। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है, और विकास की पहली शर्त है बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति। देश के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो आज लगभग 90,000 लोग तन पर खाक रमाए दिन रात कानून की रखवाली कर रहे हैं। लगभग 8 करोड़ की रखवाली की सुरक्षा का जिम्मा महज कुछ हजार कंधों पर है, लेकिन फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ फर्ज की राह पर कायम हैं कदम। प्रदेश में कानून की रखवाली का ये सिलसिला शुरू हुआ 1 नवंबर 1956 को। एक जमाने में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में डकैतों का आतंक था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने टास्क अपने हाथ में लिया, और आज कोई सूचीबद्ध डकैतों का ग्रोह मध्य प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया, नक्सली मध्य प्रदेश में नहीं फैल पाए। आज प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही ये गाड़ियां, सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस चौकियां हैं। डायल 100 एक ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमने खड़ा किया है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा है। इसमें हम ये वायदा किया कि हम 15 मिनट में पुलिस आपके पास भेजेंगे, और इतने बड़े वायदे को हमने निभाया। सिर्फ डायल 100 ही नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस महिला अपराधों को लेकर बहुत संवेदनशील है। वर्ष 2012 में महिला अपराध शाखा का गठन किया गया था, जो मेरे ख्याल में देश में पहली बार कोई राज्य ने ऐसा व्यवस्था की है कि एक पूरी जो ब्रांच है वो सिर्फ महिला अपराधों को मॉनिटर करती है। आज मध्य प्रदेश पुलिस जिस मकाम पर है, ये खाकी पहनने वाले हर शख्स की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि देश भर में मध्य प्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता की मिसाल दी जाती है, क्योंकि यहाँ सबकी फरियाद सुनी जाती है। जन सुनवाई ये वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ की थी। वैसे तो देखिए, एक बात मध्य प्रदेश की विशेषता है कि हमारे यहाँ चाहे डीजी हो चाहे थाना प्रभारी हो, 2400 घंटे वो आम जनता के लिए उपलब्ध रहता है। हमने एक विशेष जन सुनवाई मंगलवार को प्रति सप्ताह रखी है, जिसमें हम सबका ये प्रयास रहता है कि मौके पर ही अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण किया जाए। केवल मुसीबतों या आपदाओं के ही समय पुलिस ने अपनी सेवाएं नहीं दी, बल्कि देश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक आयोजन सिंहस्थ को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस महकमे ने अपने परिवारों को छोड़, अपने त्योहारों को छोड़, फर्ज की राह पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं पुलिस के जवान, ताकि रंग में भंग न पड़े, सुकून के साथ अदा की जाए नमाज, और बेखौफ होकर यूं ही जीता रहे समाज। ये विशाल संयुक्त परिवार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। यहां गुजिया और सेवैयां सब मिल बांट कर खाई जाती हैं। धर्म और जाति के बंधनों से परे मिलकर मनाए जाते हैं सारे त्योहार, और इन त्योहारों में एक पर्व शहादत का भी होता है। पिछले 58 सालों में 35,000 पुलिस के जवानों ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी किसी भी रूप में किसी सैनिक की कुर्बानी से कमतर नहीं। जी, वैसे तो देखा जाए पुलिस नहीं हो तो हमारे मदद तो कोई करने वाला है ही नहीं। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी मुसीबत हो, पुलिस वाले हमारे सिर्फ एक कॉल में मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर उनके घरों में क्या हो रहा है, क्या मुसीबत है, वो उस चीज को फेस ही नहीं कर पाते हैं। देश, समाज, शहरों, गांवों और दूसरों के परिवारों का ख्याल रखते हुए खुद खाकी वालों का परिवार अक्सर पीछे छूट जाता है। पता रहता है तो बस ड्यूटी का वक्त, और वो वक्त दिन रात का मोहताज नहीं। इनका खुद का कोई कल और कोई आज नहीं। बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं।